हेलो डियर चिल्ड्रेंस, मैं हूं सीके पंडित और आज के ड्राइंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। और आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अब चलते हैं हम सब आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सब पीबल्स आर्ट करेंगे। ये मैंने कुछ पीबल्स इकट्ठा किए हैं, ये देखो, ये भी और ये भी, और ये आपको सैंड से चुन करके बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आपको ये मिलेंगे। ये तीनों का साइज अलग अलग है, ये कुछ बड़े ज़्यादा हैं और ये ब्लैक साइज का अलग है और ये मिडिल साइज का है। देखिए, पीबल्स के अलावे और आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक फेविकॉल, एक पेंसिल, इरेजर और एक टॉन्स। बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आप एक हाफ सर्कल खींचें, ज़्यादा बड़ा नहीं खींचना है, बस। बच्चों, अब क्या करना है, अब ये जो मैंने लाइन किया है ना, इस लाइन के ऊपर फेविकॉल आपको लगाते जाना है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। ये हो गया बच्चों, जब ये फेविकॉल लग जाए उसके बाद आप टॉन्ग से एक एक स्टोन को उठा करके ये पीबल को यहाँ लगाते जाएं, इस तरह से लगाते जाना है। अब फिर से यहाँ पे फेविकॉल यूज करें वाइट पीबल्स के लिए। पहले ये बीच बीच में व्हाइट वाला भर दें। अब ये ब्लैक वाले पीबल्स को पैर में भरना है। बच्चों, ये तो हो गया पीबल्स आर्ट। और अब मैं एक वाइट ड्राइंग शीट से एक बॉक्स बनाने के लिए बताऊंगा, ठीक है। जो बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले आप दो स्क्वायर शेप का पेज काट लें, इस तरह का, बिल्कुल ये यहाँ से लाइन खींच लें। इधर से भी
अब क्या करना है, इसको यहाँ से काटना है, ठीक है, और इधर भी। ये हो जाने के बाद आप इसको, ये जो लाइन है, यहीं से इसको फोल्ड करें इस तरह से, फिर इसको भी उसी तरह से सबको फोल्ड कर दें इसी तरह से। फिर इसको भी यहाँ से फोल्ड कर लें इस तरह से। बच्चों अब आप ये सभी के कॉर्नर पर फेविकॉल लगाकर चिपकाते जाएं। बच्चों ये बॉक्स मेरा कंप्लीट है, अब आप इसको बिल्कुल लगा सकते हो और बंद कर सकते हो। इस बॉक्स के लिए अब आप चाहो कि बड़ा बॉक्स बनाऊं तो बड़ा भी बना सकते हो। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, फिर हम सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग लेकर। ओके, गुड बाय डियर चिल्ड्रेन।